हरियाणा में बाढ़, बारिश और आफत तीनों चीजें इस समय भी बरकरार बनी हुई हैं। कई जिले हैं जहां पर अभी भी हालात जो है वो तस से मस हैं। कल गवर्नर को ज्ञापन सौंपा गया है नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा। मेरे साथ बात करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब खुद मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं प्रदेश में, अब हालात थोड़े काबू जरूर आ रहे हैं लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स जो रहते हैं, बीमारियां होती हैं पानी उतरने के बाद, क्या कहेंगे सर तमाम चीजों को? देखिए, लोगों को जल्द से जल्द राहत दिलवानी चाहिए। मतलब वहाँ पर बीमारियाँ ही फैलेंगी, डॉक्टर की टीम, इमरजेंसी टीम और पशुओं का चारा और जिनके मकान टूट गए उनको उनके मकान बनाना, दुकान का नुकसान हुआ उनका असेस करवा के उनका दुकान देना, और किसान को जो है प्रति एकड़ कम से कम 40,000 रुपये एकड़ दें क्योंकि फसल बर्बाद होगी। तो हर वर्ग को कंपनसेट करना चाहिए, सरकार को जिम्मेवारी है सरकार की। पानी का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सीधे सीधे पंजाब हरियाणा दोनों पर असर जो है देखने को मिलता है, ना केवल पंजाब हरियाणा बल्कि राजस्थान भी। अब सियासत इस पर होने लग गई है। भगवंत मान ये कहते हैं कि हमारे पानी पानी है, जितना मर्जी ले लो, माँ क्यों नहीं रहे। वहीं केजरीवाल ये कहते हैं कि हथनीकुंड बैराज के आपने दरवाजे खोल दिए, दिल्ली डूब गया। क्या कहेंगे? देखिए, हथनीकुंड बैराज के दरवाजे नहीं खोले गए, वो कोई बांध नहीं है, डैम नहीं है, एक पर्टिकुलर बात जो है उसके दरवाजे खुलने खुलने हैं। और जहां तक मान साहब की बात है, जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, अरे हरियाणा का हिस्सा ही नहीं दे रहे। SYL खुद ही होती तो शायद हरियाणा ना पंजाब में इतना बाढ़ नुकसान नहीं करता। SYL खोदी गई, SYL का पानी आता और वो पंजाब भी बच जाता, हरियाणा को जाके जाता, आगे तो पानी जाता, साउथ हरियाणा जो सूखा सारा। और यही काम यहाँ पे हुआ हरियाणा में, जो दादीपुर नलवी नहर थी वो डी नोटिफाई कर दी गई, उसकी वजह से सारा इलाका अम्बाला, कुरुक्षेत्र, अशाबाद, पेवा तक जो है होता। अगर ये खुद ही हुई होती जो खुद गई थी, ये डी नोटिफाई नहीं की जाती तो ये भी इलाका बच जाता। आपको क्या लगता है सर, मंत्रियों विधायकों के घर डूब गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो बाढ़ नियंत्रण को लेकर बैठकें होती हैं वो काम नहीं हो पाया है बाढ़ से पहले? ऐसा है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई है जनवरी में इनकी, लेकिन जो फैसले हुए धरातल तक नहीं पहुंचे, ना तो ड्रेनों की सफाई हुई, ना सीवेज की सफाई हुई, ना ठोकरे बनाई गई, ना जो बांध मजबूत किए गए जो पहले से बांध थे। तो जैसे हाँसी बुटाना नहर है उसको मेंटेन नहीं किया गया, दादूपुर को डी नोटिफाई कर दिया गया, ये सब जो है वो तो है। आपके मौसम ने भी कवर करी थी, मौसम महकमे ने कि भाई ज़्यादा बारिश होगी कहा था, लेकिन सरकार ने पूरे कदम नहीं उठाए। अगर समय पे कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल है सर, एक DD की पावर जो है वो नगर पालिका और परिषदों के जो है उनकी खत्म कर दी गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से नोटिफिकेशन उसकी जारी कर दी गई है, जो चेक साइन करने की पावर रहा करती थी उसको ले लिया गया है वापस। देखिए, इनको अपने इलेक्टेड लोगों में विश्वास ही नहीं है। अब पंचायतों में भी यही किया, नगर परिषदों में भी किया, और भाई फिर इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? जब वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका अधिकार नहीं छीनने का किसी को अधिकार। आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस के जो कार्यक्रम चल रहे थे बाढ़ और तमाम चीजों को चलते वो होल्ड जरूर हुए, अब कब तक इनकी शुरुआत होगी? हिसार और रोहतक में जो रैली आपने करनी है उसकी क्या? रोहतक में तो 20 अगस्त को हिसार में करेंगे, हिसार में 9वां लोकसभा जो है क्षेत्र 20 अगस्त को होगा, और 6 तारीख को जो है करनाल में जो है जन मिलन होगा। इस कार्यक्रम चलते रहेंगे, आज से आज जोड़ो कार्यक्रम भी चल ही रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर सरकार में निशाना साधा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो काम होना चाहिए था, बाढ़ से पहले नियंत्रण को लेकर बैठक जरूर हुई लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई मुआवजे के साथ सरकार को करनी चाहिए। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।